हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, फाइनली एक और रोम डेवलपर्स ने रिलीज कर दिया जिसका नाम .os है। और दोस्तों, पहले जो रोम रिलीज की गई थी वाइपर ओएस, इन दोनों का जो डेवलपर है वो बिल्कुल सेम है। तो इसमें भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि बैटरी लाइफ की परफॉर्मेंस काफी अच्छी होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहले दोस्तों, आपने जिप फाइल डाउनलोड कर लेनी है रोम की, और इसके साथ आपको जीएप्स भी मिल जाएंगे। दोनों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आपको डाउनलोड कर लेने, इंटरनल एसडी कार्ड में सेव कर लें और अपने डिवाइस को रिकवरी मोड में ऑन कर लें। तो चलिए यहाँ पर अपने डिवाइस को ऑफ कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, वॉल्यूम अप, होम और पावर बटन को दबाकर रिकवरी मोड में ऑन कर लें। रिकवरी मोड में आ जाने के बाद दोस्तों, आपने वाइप पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर एडवांस वाइप पे सिलेक्ट कर लें आप। यहाँ पर ये चारों ऑप्शनों को सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे से वाइप कर देना है। तो चलिए इसे वाइप कर लेते हैं, यहाँ पर स्वाइप वाइप कर दें इस तरह से। इसके बाद दोस्तों, इंस्टॉल में आ जाए वापस और यहाँ पर अपने अपनी रोम को सिलेक्ट कर लेना है। रोम और जीएप दोस्तों इंस्टॉल कर लेने के बाद अपने डिवाइस को अपने रिबूट कर लेना है और यहाँ पर आपकी वेलकम स्क्रीन शो हो जाएगी। तो चलिए इसे जल्दी से सेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हमारी यहाँ पर होम स्क्रीन शो हो चुकी है। काफी कलरफुल थीम है दोस्तों इस पे। यहाँ पर दोस्तों आपको लॉन्चर का लॉन्चर मिल जाएगा जिसमें आप बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, थीम्स अप्लाई कर सकते हैं, लॉन्चर के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। ये आप लोग इसके अबाउट डिवाइस में भी देख सकते हैं, लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर इंस्टॉल कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप इसके वॉलपेपर्स में चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको वॉलपेपर्स इसके साथ नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पर एक ऐप मिलेगा .wallpapers का जिसमें आपके वॉलपेपर्स डाले गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोग ऐप्स देख सकते हैं, जैसे कि गैलरी ऐप जो कि बिल्कुल वाइपर ओएस की तरह का गैलरी ऐप है। यहाँ पर आप इसका यहाँ पर लेआउट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी व्यू टाइप चेंज कर सकते हैं आप, लोकेशन के हिसाब से या टाइम के हिसाब से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं इसे। और यहाँ पर दोस्तों कैमरा आप भी देख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल कैमरा ऐप है, लेकिन दोस्तों इसकी यहाँ पर जो फोटो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है और इसकी जो शटर की स्पीड है वो काफी फास्ट है। इसके बाद यहाँ पर आप और भी ऐप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं, मैसेजिंग ऐप, म्यूजिक ऐप, फोन डायलर ऐप, रिकॉर्डिंग ऐप, तो काफी सारे नॉर्मल ऐप्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके साथ आप ये देख सकते हैं लाइव क्लॉक इसमें अवेलेबल है। ये आप लोग इसका .wallpapers का ऐप देख सकते हैं, आप इसे ओपन करेंगे तो इसमें आपको आपके वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं काफी हाई क्वालिटी के वॉलपेपर्स हैं जो काफी अच्छे दिखते हैं और आपके डिवाइस के लुक को काफी चेंज करेंगे। आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है ये, और आपको इसमें यहाँ पर कैटेगरीज भी मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों आप ये इसका डायलर देख सकते हैं, बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड का डायलर है। इसके बाद आप ये म्यूजिक प्लेयर देख सकते हैं, म्यूजिक प्लेयर दोस्तों इसमें काफी अच्छा है, काफी इंप्रूव्ड है दोस्तों पिछली वर्जन से और आपको काफी पसंद आएगा। और ये दोस्तों आप इसकी नोटिफिकेशन पैनल देख सकते हैं। तो चलिए इसकी सेटिंग में चलते हैं। अब सेटिंग में यहाँ पर आपको काफी नॉर्मल से ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर एक न्यू ऑप्शन मिलता है जो कि .extras है। ये दोस्तों आपको बाकी रोम्स में भी मिल जाता है, लेकिन इसमें इसका जो नेम है वो चेंज कर दिया गया है और इसकी लेआउट भी काफी चेंज है। आप इसे स्वाइप करें, आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें आप ट्वीक वगैरह कर सकते हैं, स्टेटस वगैरह या क्लॉक वगैरह, इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ऑन स्क्रीन बटन को अनेबल कर सकते हैं और हार्डवेयर बटन को डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर यहाँ पर आप डिस्प्ले ऑप्शन में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको काफी नॉर्मल ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये हाई टच सेंसिटिविटी का भी ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहाँ पर फॉन्ट साइज मिल जाता है, डिस्प्ले साइज मिल जाता है। और यहाँ पर दोस्तों लास्ट में आपको थीम्स का ऑप्शन मिल जाता है जो कि यहाँ पर आप जिसमें आप यहाँ पर कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं आइकॉन्स के कलर इस तरह से चेंज हो जाएंगे, काफी सारे यहाँ पर कलर्स हैं जिन्हें आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आइकॉन पर क्लिक कर लें और यहाँ पर आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये ब्लैक बैकग्राउंड आप लोग देख सकते हैं। अब वापस आप आइकॉन पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको कलर्स भी मिल जाते हैं, जैसे आप सिर्फ आइकॉन के कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एप्स मिल जाते हैं, साउंड वगैरह जो काफी नॉर्मल ऑप्शंस हैं, बाकी रोम्स में भी आपको मिल जाते हैं। जेस्चर्स का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है जो कि वाइपर ओएस में भी अवेलेबल था, यानी डबल टैप करने से आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, आप इसे इनेबल डिसेबल यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद बैक चले यहाँ पर, यहाँ पर आपको यूजर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, अगर आप यहाँ पर मल्टीपल यूजर सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आप इसके अबाउट डिवाइस में आ जाए तो यहाँ पर आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे डिवाइस का नेम, जैसे रोम की वर्जन, इसका मॉडल नंबर, स्टेटस वगैरह, बिल्ड नंबर, कर्नल वर्जन वगैरह, सब कुछ यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। और यहाँ पर आप इसकी मेमोरी यूसेज भी देख सकते हैं, काफी अच्छी है, काफी इम्प्रूव्ड है बाकी रोम से और आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस को काफी इम्प्रूव करेगी। ये आप इसकी लॉक स्क्रीन भी देख सकते हैं। और दोस्तों ये रोम काफी अच्छे से वर्क कर रही है हमारे नोट 3 पर, मैं इसे काफी दिन से यूज कर रहा हूँ, बहुत सॉलिड रोम है और काफी स्टेबल है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर लें, शेयर कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी कूल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं हर दिन वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर लें ताकि मेरी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो इसी तरह दोस्तों आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।